मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। दसवीं की परीक्षा देने आई लड़की को मिलने आया उसका प्रेमी लड़का और उस दौरान ही उनकी हो गई शादी। क्या है ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला मामला, चलिए आप लोगों को बताते हैं, इसके ऊपर नजर डालते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला हमारे सामने प्रेम संबंध को लेके है और उस दौरान ही ये पूरा मामला हमारे सामने बिहार के कटिहारी जिले से आ रहा है, जहां पर मुख्य विद्यालय में जो लड़की है वो अपनी दसवीं की परीक्षा देने के लिए गई थी, बोर्ड के एग्जाम देने के लिए गई थी और उस दौरान ही उसका जो प्रेमी है उससे मिलने के लिए आया था। नजदीकी गांव वालों ने जब इन दोनों को साथ में देखा तब उनको शक हुआ, जिसके कारण उन्होंने पुलिस बुला के इनको पकड़वा दिया और पुलिस स्टेशन में इन दोनों प्रेमियों को वहां पर बिठाया गया। उस दौरान ही परिवार वालों को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि लड़की परीक्षा देने के लिए आई थी अपने प्रेमी के साथ, वो प्रेम संबंध में 5 साल से थी और इस बीच हुए वो काफी बार मिले जुले भी थे, जिसके कारण ये सब चीजें खुलासा पुलिस स्टेशन में हुआ। और नितेश लड़के का नाम बताया जा रहा है, वो दूसरे गाँव में रहता है, गुजरा गाँव में रहता है और उस दौरान ही लड़की से वो मिलने के लिए अक्सर आया करता था। और जब वो आया इसके बारे में पता चला तब पूरे दोनों परिजनों ने आपसी समझौता करने के बाद दोनों की शिव पार्वती मंदिर में शादी करवा दी। लड़का बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि ये जल्द से जल्द कितना सब चीजें हो जाएगा और अभी हालांकि मैं खुश हूँ। लड़की से जब बात की गई तब उसने ये चीज बताया कि एग्जाम नहीं दे पाई, इसका काफी ज्यादा अफसोस है, पर उसी के साथ साथ प्रेम परीक्षा में मैं पास हो गई और अगले साल जिस तरीके से इस साल मैं प्रेम परीक्षा में पास हुई, अगले साल मैं दसवीं की परीक्षा फिर दूंगी और उसमें पास जरूर होंगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।